राजस्थान राज्य के उदयपुर में कन्हैया लाल के इस्लामिक जिहादियों द्वारा नृशंस हत्या के विरोध पूरे देश में हो रहा है। झारखंड में भी जिहाद के नाम पर हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रही है। इसी कड़ी में आज जिला महानगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हत्या करने वाले जिहादी का पुतला दहन रणधीर वर्मा किया गया। हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी किया गया। दोषियों को जल्द फांसी की सजा देने की मांग की गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष द्वारका तिवारी ने कहा कि देश में इस्लामिक जिहादी हिंदू सनातन धर्म के लोगों की अब हत्या करना शुरू कर दिया है। उदयपुर के कन्हैया लाल की नृशंस हत्या करने वाले जिहादी तथा उन लोगों के लगभग 2000 साथियों को सरकार सजा दे। हत्या करने वाले जिहादियों को एक महीने के अंदर फांसी की सजा सुनाई जाए। केंद्र सरकार राजस्थान राज्य सरकार से मांग है कि जिहादियों को ढूंढ कर सजा देने का काम किया जाए। विश्व हिंदू परिषद हिंसा में विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर जिहादी अपनी गलत करतूत सनातन धर्म के लोगों में करेगी तो कफन बांधकर हम सभी निकल पुरजोर विरोध करेंगे। में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है और साजिश में भारत के बहुत से लोग इसमें उपस्थित हैं। हम सरकार से मांग करेंगे और राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं कि आप हमारे कन्हैया जी का जो नृशंस हत्या की गई है उसके सारे हत्यारों को, वो दो नहीं है, वो लगभग 2000 के संख्या में है और भारत में जो है इस्लामी जिहादी अभी जो है गर्दन काटने आतंकवाद के नाम पर वो फैला रहे हैं। पूरे भारत वर्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये जो अभी हुआ है इसका हम लोग कड़े निंदे से विरोध करते हैं। अभी तो लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार हम लोग यहाँ पर पुतला दहन किए हैं, लेकिन आगे हमारी जो है सरकार यदि 10-15 दिनों एक महीने में जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये राजनीतिक पार्टियाँ चलकर जो है 24 घंटे में जजमेंट ले लेती है, उसी प्रकार आप वो दोनों हत्यारों को और उसके साथ जो करीब 2000 की संख्या है उन सभी को अरेस्ट करें और ये दो को आप एक महीना के अंदर फांसी दें, नहीं तो ये भारत का सनातन धर्म विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हमें उकसाने का काम है मौलवियों के द्वारा किया गया तो इसका जो है हम कमर बांधकर कफन बांधकर हम लड़ने के लिए उनके साथ तैयार बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसको संज्ञान लें और पूरे भारत में इसकी छानबीन करें और जिहादी आतंकवादी के नाम पर जो हमारे भाइयों का कत्ल हो रहा है इसको आप अरेस्ट करके